इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर में उग्र प्रदर्शन, यही जो विजुअल्स आ रहे हैं। पेशावर के कई इलाकों में भीषण आगजनी और गोलीबारी, दिखाइए जरा विजुअल्स। पेशावर में उपद्रवियों ने एम्बुलेंस में भी आग लगाई, पथराव करके प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज। इसके बगल में राहुल, जो हमारी ब्रेकिंग है उसको जला दे। पाकिस्तान में हिंसा की आग में पेशावर तक पहुंची, दिखाइए जरा ब्रेकिंग। ये पेशावर की तस्वीरें, पेशावर की सड़कों पर इमरान समर्थकों का कब्जा, ये देखिए अब आप। पेशावर की सड़कों पर दिखा इमरान समर्थकों का हुजूम, सड़कों पर इमरान समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। सीधे चलिए इस खबर के साथ, मैं चलूंगा, मेरे साथ अनुज बहादुर सर मौजूद है। अनुज सर, मैं कहूं कि पाकिस्तान जो है उनकी आर्मी के हाथ से स्लिप अवे कर रहा है, क्या यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा या यह एग्जैजरेशन होगा? हालात यही बता रहे हैं। बिल्कुल निशांत, यही मैंने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले, ये पहली बार हुआ है इतिहास में जबकि किसी सिविल अनरेस्ट ने पाकिस्तान आर्मी के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे, कोर कमांडर के घर पे और कई जगह पर, आर्मी स्कूल में उनके ऊपर हाथ डाला है, और हाथ नामामूली हाथ नहीं डाला, उनके ऊपर बाकायदा हमला किया है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो अभी तक प्रॉक्सी से कंट्रोल कर रही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, वो लगता है उनके हाथ से निकल रहा है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद यहाँ पर ऐसी हालत बनने वाली है। आप सिर्फ कह रहे हैं पेशावर, ये सिर्फ पेशावर नहीं है, क्वाट देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, कराची देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, गुजरांवाला देख लीजिए, जहां आप देखेंगे जहां जहां मिलिट्री कंट्रोलमेंट है, मिलिट्री स्टेशन है, वहां पर हमला किया जा रहा है। ये आप इनको थोड़ा पहले से और देखेंगे कि जो किस प्रकार से इमरान खान ने आज से एक साल पहले से, डेढ़ साल पहले से पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर कमेंट करने शुरू कर दिए थे, उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये तमाम चीज एक तैयारी, एक सोची समझी रणनीति थी जो कि आज आप चरितार्थ होता हुआ देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। आप जो बता रहे सर, ये वाकई में चिंताजनक है, हालात बेकाबू हो गए हैं। तस्वीरें हमारे सामने हैं, ये देखिए।